त्रिलोक सार रचना इस संसार की क्या क्या है आधार लोक विभाग में जो लिखी बात कहूं मैं सार तीन लोक वर्णित हुए ग्रंथ ले ये आकार प्रज्ञप्ति जम्बो द्वीप का ज्ञान इनका आभार सार ग्रहण कर शास्त्र से चू ग्रंथ उन्मूल सुदिजन पड़े सुधार के क्षमा करे मम भूल। देखिए अभी अपनी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है तीन लोक से संबंधित, ठीक है। तीन लोक की रचना जैन दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड कैसा है। ब्रह्मांड शब्द मैं बोल तो रहा हूं लेकिन पहले दिन मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड शब्द का अर्थ कुछ और होता है, इसलिए ब्रह्मांड शब्द हम जब भी बोलते हैं तो उसको लोक व्यवहार की दृष्टि से ही समझना, जैन दर्शन की दृष्टि से मत समझना। ब्रह्मांड यानी कि लोक, ये लोक कैसा है ये भी बताया था कि लोक तीन नहीं होते हैं। हम बोलते तो हैं कि तीन लोक तीन लोक तीन लोक, लोक तीन नहीं होते, लोक तो एक ही होता है, लेकिन उस एक लोक के ही तीन विभाग हैं तीन विभाग है इसलिए उसको तीन लोक बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में लोक एक ही है और वो असंख्यात प्रदेश नित्य है, सदा रहने वाला है, अनादि से है, अनंत काल तक है, ना किसी ने बनाया ना कोई उसको नष्ट करेगा, ना संहार भी नहीं हो सकता। ऐसा जो है लोक किस प्रकार का है उसकी अपने बेसिक भूमिका, लोक का जो सामान्य स्वरूप था, लंबाई चौड़ाई आकार प्रकार है, वो सबकी चर्चा काफी विस्तार से जो है चार या पांच कक्षा में कुछ करी थी। अब इसके आगे अधोलोक की चर्चा प्रारंभ हो गई है। अधोलोक की चर्चा करते करते भी शायद तीन क्लास तो मेरे ख्याल में हो गई होगी, है ना। तो अब उसमें जो बात चल रही हमारी अधोलोक में, वो अधोलोक में बात चल रही कि नरक पृथ्वियां और नरक बिल, ठीक है, नरक पृथ्वियां और नरक बिल, है ना। और बीच बीच में मैंने आपको ये भी स्पष्ट किया कि ये चर्चा भले ही हमको ऐसा लगता है कि इसमें आत्मा की तो कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन उसका मैंने आपको बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि धूम्रपान करने के क्या फायदे, ऐसा बता करके धूम्रपान छोड़वा दिया जाता है इसी प्रकार इस लोक के जानने के क्या फायदे ऐसा बता करके इस लोक से छुटकारा कैसा पाया जाए उसकी प्रेरणा दे दी जाती है, उसकी शिक्षा दे दी जाती है। वो दृष्टांत मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं, पिछले व्याख्यान में दिया था इसलिए अब इसमें जो अधोलोक की देखो, सबसे पहले पृथ्वियां दो मिनट में रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। पूरे तीन लोक में, अधोलोक हो चाहे ऊर्ध्वलोक हो, सब पूरे तीन लोक में टोटल पृथ्वियां आठ है, आठ पृथ्वियां और पटल 112 पूरे तीन लोक के। अभी भले ही अधोलोक की बात कर रहे हैं लेकिन एक बार समरी समझ लीजिए, पूरे तीन लोक में पटल तो है 112 और पृथ्वियां हैं आठ। पटल और पृथ्वी में क्या फर्क है वो भी पहले बताया था, किसी को क्लियर है कि नहीं है मैं फिर से बता देता हूं। जो नरक पृथ्वियां हैं, मतलब सारी आठों आठों पृथ्वियां, वो आठों पृथ्वियां लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक है, जहां से वात वलय है ना, लोक के चारों तरफ वात वलय है, जो तीन लेयर्स हैं उन लेयर तक टच होती है वो, कौन, पृथ्वी। वो पृथ्वी टिकी कहां पर है, उस लेयर के ऊपर टिकी है, जो वो तीन लेयर है घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय, उन तीन लेयर के ऊपर टिकी है, यानी बिल्कुल लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक बिल्कुल आर पार टच हो गई, जितनी चौड़ाई लोक की है वहां तक फैली है। जैसे जैसे सातवीं नरक पृथ्वी सबसे नीचे है, पहली नरक पृथ्वी ऊपर है मध्यलोक के थोड़ा सा नीचे, तो वो जो मध्यलोक के पास जो लोक की चौड़ाई है वो थोड़ी कम है और सातवीं नरक के नीचे मतलब वहां पर ज्यादा चौड़ाई है, तो वो जो सातवीं नरक पृथ्वी है ना वो ज्यादा चौड़ी होगी। अब पहली नरक पृथ्वी है वो थोड़ी कम चौड़ी होगी क्योंकि वो लोक के जितनी साइज है ना वहां तक फैल गई,
ये तो है नरक पृथ्वी की वो चौड़ाई, लेकिन जो पटल हैं वो इतने चौड़े नहीं है, पटल इतने चौड़े नहीं है, पटल तो उतने चौड़े हैं जितनी चौड़ी हमारी तृष्णाली है। हमारी तृष्णाली एक राजु चौड़ी एक राजु मोटी है, तो बिल्कुल एक ही बिल्कुल चौकोर 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 प्लेट है, सारी की सारी एक के ऊपर एक पटल है। जैसे यूं समझो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, एक भवन बना 20 माले का 25 माले का जितना भी, तो उसमें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे बहुत सारे जो है भवन बन गए, फ्लैट बन गए, फ्लैट सिस्टम है अपन मुंबई में। तो इसी तरह से एक के ऊपर एक पटल है। अब वो पटल कैसे टिकी है ये तो बड़ी विचित्र बात है ना, लेकिन वो शास्त्रों में बताया है कि वो भी वहां पर भी जो है घनोदी या घनवात जल के आधार पर, वायु के आधार पर, ऐसे ऐसे शब्द आए हैं, हैं वायु के आधार पर है कोई पटल, कोई जो है जल के आधार पर है, कोई जो है आकाश के आधार पर है, इस प्रकार से बात आई है। ठीक है, तो पृथ्वियां और पटल की बात हुई, आठ पृथ्वियों में से सात पृथ्वी तो नरक के अंदर है, बची एक, एक पृथ्वी है, मध्य लोक में कोई पृथ्वी नहीं है, और ऊर्ध्व लोक में भी एक ही पृथ्वी है लास्ट में, स्वर्गों के भी ऊपर जहां सिद्ध शिला है वहां। सिद्ध शिला गोल है ना, छत्राकार गोल सफेद रंग की, तो वो गोल किस पर टिकी है, टिकी कहां है, तो टिकी नहीं है ना, तो इसलिए वो जो छत एक आठवीं पृथ्वी है पूरी लोक की, जितना चौड़ा लोक है वहां तक फैली हुई है। उस पृथ्वी के बीचों बीच, उस पृथ्वी के बीचों बीच गोल योजन की डायमीटर वाली गोल और सफेद रंग की बीच तक से ही चमकती हुई, ऐसा लगता है एकदम सफेद जैसे चंद्रमा जैसी, एकदम दुग धवल जैसे, ऐसी बीच में ही उस पृथ्वी के बीच में सेट है। जो अंगूठी होती है, अंगूठी होती है ना रिंग उंगली में पहनते हैं, तो उस अंगूठी के अंदर नगीना हीरा जड़ा रहता है। अब वो हीरा अलग है ना, भले ही अंगूठी में जड़ा है लेकिन अलग दिखता है, और आप साफ समझ जाते हो कि अंगूठी अलग है हीरा अलग है, भले ही जड़ा है कितना भी जुड़ा है तो भी अलग अलग पहचान लेते हैं। उसी तरह से वो जो आठवीं पृथ्वी है, उस आठवीं पृथ्वी के बीचों बीच वो सिद्ध शिला, वो अलग ही पहचानने में आती है, क्योंकि उसका तो दुग्ध धवल श्वेत कलर एकदम साफ अलग ही है, और वो बीच में हालांकि वो जुड़ी हुई है पूरी उस पृथ्वी से जुड़ी हुई है। ऐसा ये चीज शायद कम सुनी होगी, कहीं सुनी नहीं होगी आपने है? लेकिन ये ऐसी स्थिति है। तो ये आठ पृथ्वियों की तो बात हो गई पूरी, पूरे तीन लोक में आठ ही। अब जो पटल की बात है, उस पटल में से 49 पटल तो नरकों में है अधोलोक में, और 63 पटल ऊर्ध्वलोक में है, मध्यलोक में कोई पटल नहीं, टोटल 112 पटलों का ये हिसाब है। ऊर्ध्वलोक की चर्चा जब होगी तब ऊर्ध्व की बात करेंगे, अभी अधोलोक की बात चल रही है, तो उसमें 49 पटल है, जिनकी जो है संख्या मैंने आपको बताई थी कि पहली नरक में 13 हैं। अब ऊपर से याद नहीं रहे तो नीचे से रखो, नीचे से सातवीं नरक में एक पटल है, छठवीं में दो और बढ़ा दो, पांचवीं में दो और बढ़ा दो, चौथी में दो और बढ़ा दो, दो 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 बढ़ाते चलो, और पहली नरक में 13 पटल हैं, है ना। 49 पटल होने से कई बार ऐसा भ्रम ना हो जाए कि सातों नरक में सात सात पटल होते हैं, 7x7 करो तो 49, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर नरक में बराबर बराबर वैकेंसी नहीं हो सकती। सातवें नरक का नरकी तो महापापी होगा जब्बर, और इतना जब्बर महापापी तो कोई रेयर ही मिलेगा ना, तो रेयर ही मिलेगा, तो उसके लिए वैकेंसी कमी है ना, तो इसलिए सातवें नरक में एक ही पटल है। पहले नरक में जाने वाले साधारण पापी जीव बहुत हैं धरती पर, इसलिए पहले नरक में ज्यादा है। ठीक है, ये जो है इसका सीधा सीधा लॉजिक है। इतनी सब बात होने के बाद जो नरक के नारकी होते हैं उन, आज थोड़ा सा विषय हल्का सा कठिन करता हूँ, जरा सा कठिन करता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो। और कठिन भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो बेसिक बात क्या होती है, एक करुणा योग का नियम है कि जब भी हम चारों गतियों के बारे में कोई भी बात करते हैं तो उसको 14 मार्गणा स्थानों के आधार से देखते हैं। 14 मार्गणा होती है वो, यू समझो एक प्रकार से चेकलिस्ट, आप कोई भी चीज काम करते तो उसकी चेकलिस्ट होती है। आप बाजार जाते हैं कोई भी सामान खरीदने तो उसकी एक लिस्ट लेके जाते हैं सामान की, कि ये सामान खरीद लिया, ठीक, हाँ खरीद लिया, ठीक, कौन सा बाकी, तो ऐसे एक चेकलिस्ट होती है।
वो तो ऐसी चेकलिस्ट है हमारे पास, 14 आइटम है उसमें, उसको बोलते हैं मार्गणा स्थान, है ना। कोई भी गतियों के जीवों की कोई भी पूरी से पूरी जानकारी हमको पूरी डिटेल कलेक्ट करनी है कि उस गति में कैसे जीव है, उनकी कैसी लेशिया है, कौन सी गति का उदय है, क्या है, कौन कौन सी कसा है, कौन कौन से गुण, ऐसी सारी चीजों की जानकारी चाहिए पूरी डिटेल एकदम। तो उसकी चेकलिस्ट यानी 14 आइटम वाली है, जिसको 14 मार्गणा स्थान बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो 14 मार्गणा स्थान, थोड़ा सा विषय हल्का सा एकाग्रता से सुनेंगे तो मजा आ जाएगा, वरना थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरे से बनेगा मैं एकदम सरल कर दूंगा, है। सबसे पहले ये चेकलिस्ट क्या है वो देख लीजिए आप। चेकलिस्ट माने जो गुण स्थान है वो कौन कौन से हैं, वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो है 14 गुण स्थान, देखो गई इंद्रिये चकाये जोए वेये कसायणाने या संयम दंशन लेसा भविया सम्मत सन्याहारे। ये जो है गोमठ सार में 14 जीव समाज क्या बोलते हैं मार्गणा स्थान, इनको गिनाए गए हैं। मार्गणा का अर्थ होता है खोजना, मार्गणा माने खोजना कि जीवों को कैसे खोजा जाता है, कैसे पहचाना जाता है। तो नारकी जिन जो नरक के नारकी है ना, उनको भी पहचानने के ये तरीके हैं। तो वो 14 लिस्ट देखो, गई माने गति, इंद्रिय माने इंद्रिय, काय मतलब काय, जो ये मतलब योग, वेदे मतलब वेद, कसाय ज्ञान, संयम दर्शन, लेश्या है भव्यत्व, सम्यक्त्व संगित्व और आहार, ये जो है 14 चीजें हैं। अब हम बारी बारी से एक एक चीज को नरक के नारकियों में देखते हैं कि उनमें है क्या है। जैसे बिल्कुल पहला वाला एग्जाम्पल देखो, गति, 4 गतियां होती है। नारकी जीव कौन सी गति में आते हैं, सब बच्चे भी बता देंगे कि नरक गति में आते हैं। तो ये तो बिल्कुल सीधा पॉइंट है, खत्म हो गया। इतना खत्म हो गया, इतना सीधा है एकदम, कुछ कठिन नहीं है, एकदम सीधा है ना। ऐसे ही जैसे दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा इंद्रिय, तो इंद्रिय कितनी होती है, 5 इंद्रियां होती है। अच्छा, तो नारकी जीवों में कितनी कितनी इंद्रिय वाले, कोई 2 इंद्रिय वाला नारकी है क्या, 3 इंद्रिय वाला है क्या, 4 इंद्रिय वाला है क्या, कि नहीं, कोई सा भी नहीं, सभी नारकी 5 इंद्रिय होते हैं। ये लो जी दूसरा पॉइंट हो गया। ऐसे छोटी छोटी चीजों से पूरी नरक गति का सारा स्वरूप समझ में आ जाता है, समझ में आई बात। 5 इंद्रियों में से कोई भी नारकी ऐसा नहीं है जिसको एक भी इंद्री कम हो, 4 इंद्री वाला नारकी नहीं मिलेगा नरकों में खोजने पर। पूरे 84 लाख बिलों में ढूंढो तो भी एक भी नारकी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके 4 इंद्री हो, 2 हो 3 हो, सारे के सारे नारकी 5 इंद्री होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ऐसे सारे पॉइंट की अपन बात करेंगे, लेकिन बात करने के साथ साथ किताब भी हो सामने तो मजा आ जाता है। अब किताब तो आपके पास है नहीं, कोई बात नहीं, शेयर मैं करता हूँ अभी, है शेयर कर देता हूँ। वैसे तो बचपन में हमारे गुरुजी कहते थे कि एक विद्यार्थी जब सीखने जाता है, उसको एग्जाम्पल देख करके बताते थे वो, कि बॉर्डर पर युद्ध करने कोई सैनिक जाते हैं तो उनके हाथ में यदि हथियार नहीं हो तो किस काम का फिर है। तो इसी प्रकार विद्यार्थी यदि सामने कुछ सीखने जाए तो उसके हाथ में जो है क्या बोलते हैं, पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि पुस्तक के बिना सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। किधर गई पुस्तक, पुस्तक तो मैंने अभी अभी डाउनलोड किया, एक मिनट ढूंढता हूँ, पुस्तक दिख नहीं रही मुझे, कहाँ चली गई, एक मिनट। तो अभी हाँ ठीक है, मिली। तो अब ये जो पुस्तक है मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये देखिए, आप लोग हो सके तो पुस्तक जो है रखनी चाहिए, है ना। मैंने आपको सीधा एड्रेस पता दे दिया है जहाँ से भी आप, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लेखक की पुस्तक हो, कोई भी लेखक की पुस्तक हो, लेकिन पुस्तक होनी जरूर चाहिए, है ना। देखो अभी ये जो, एक मिनट, ये देखिए, ये जो है 14 मार्गणा की बात कर रहा था मैं, टॉपिक याद रखना, भूल मत जाना, मैंने वो स्लाइड चेंज कर दी तो आप ध्यान डाइवर्ट नहीं कर लेना। 14 मार्गणा किस तरह से घटित होती है उस बात को बताने वाला पैराग्राफ है ये, इसलिए मैंने आपके सामने दिखाया। अभी देखो, पढ़ करके दिखाता हूं। अधोलोक में नारकी जीव पाए जाते हैं जो अपने पापों और दुराचारों का फल वहां निरंतर पाते हैं, ठीक है। अब देखो 14 मार्गणा आ गया ना नाम, याद रखना बिल्कुल। 14 मार्गणाओं के कथन में नरक गति में स्थित नारकी जीव 5 इंद्रिय होते हैं,
त्रस होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, सारे के सारे नार के पंचेंद्रिय होते हैं, मन वचन और काय स्वरूप तीनों योगों से। देखो योग है, 14 चेकलिस्ट में देखो योग है कि नहीं, एक तीसरा पॉइंट होगा शायद, गई इंद्रिय च काय, काय तीसरा है, और फिर गई इंद्रिय च काय जोय, फिर योग है। तो काय के लिए इन्होंने कहा त्रस काय है। देखो सारी चीज मिलेगी आपको, पूरी चीज जो 14 है ना उनका सबका मिलेगा। काय मतलब त्रस काय वाले हैं, स्थावर नहीं है। फिर योग में तीनों योग वाले हैं, सभी नारकियों को मन भी होता है। इससे ये समझ में आ गया पंचेंद्रिय के साथ साथ संगी पंचेंद्रिय होते हैं। कोई भी नारकी असंगी नहीं होता, सारे के सारे संगी होते हैं। सभी नारकियों के अंदर सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता होती है। सबसे बड़ी बात कितनी, सबसे जबरदस्त बात यह है कि इतनी प्रतिकूलता, इतना घनघोर कष्ट नरकों के बीच, उसमें भी नारकी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्षमता रखता है, इतनी उसकी परिपक्वता है। सोचो हमारे सामने तो ऐसी प्रतिकूलता नहीं है, है? दिन रात जहां फुर्सत नहीं है लड़ने की, है, और यहाँ शांति से बैठे हैं, है ना, तो भी हमें आत्मचिंतन का एक बार भी विकल्प नहीं आता है। हम जगत जंजाल में उलझ गए हैं। देखो आवश्यकता की पूर्ति जरूरी है ना, लेकिन क्या होती, इच्छा की पूर्ति असंभव। आवश्यकता की पूर्ति, देखो फिर से बोलता हूँ सेंटेंस बहुत अच्छा है, आवश्यकता की पूर्ति संभव, इच्छा की पूर्ति असंभव है। आवश्यकता सबकी पूरी हो सकती है, इच्छा किसी की पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ करके थोड़ी सी आराधना साधना, अपने आत्मा का चिंतन मनन ध्यान करने की चेष्टा करो। ये शिक्षा इसमें से मिलती है। देखो 14 मार्गना के कथन में नरक गति में स्थित नारकी जीव पंचेंद्रिय होते हैं, है ना, इंद्रिय मार्गना हो गई, है ना, गति मार्गना भी हो गई, फिर काय हो गई, योग मार्गना में तीनों योग वाले हो गए, कसाय मार्गना से देखते हैं तो समस्त कसायों से संयुक्त होते हैं, उनके पूरी की पूरी कसाय मौजूद है, कोई भी कसाय ऐसी नहीं जो नहीं है, वहां पर सारी कसाय पाई जाती है। हैं वेद के हिसाब से देखें, अगली चेक लिस्ट में देखो वेद, तो वेद में देखो स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, तो नारकी सारे के सारे ना तो स्त्री होते हैं और ना ही पुरुष होते हैं, सब नपुंसक वेद वाले होते हैं। सारे के सारे नारकी नपुंसक होते हैं, थर्ड जेंडर वाले, देखो गजब बात। अधोलोक में तो स्त्री और पुरुष नहीं मिलते हैं, सिर्फ थर्ड जेंडर वाले ही मिलते हैं, और ऊर्ध्वलोक में थर्ड जेंडर बिल्कुल नहीं मिलते, रेयर भी नहीं मिलेंगे, वहां सब स्त्री और पुरुष, देव और देवियां ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी, वेद मार्गना। फिर अगली है ज्ञान मार्गना, है ना, 14 लिस्ट में से एक ज्ञान है, वो लिस्ट भूल मत जाना, वापस दिखाऊंगा, हाँ बता देना, आप बीच में बोल सकते हैं, आप आपके मन में कोई डाउट है प्रश्न है बीच में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, है। देखो ज्ञान मार्गना के हिसाब से देखते हैं तो नारकियों में ये क्या एक क्या होती है संभावना, कहाँ कहाँ कौन कौन से ज्ञान की संभावना है, तो देखो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पाया ही जाएगा, है, अवधि ज्ञान वो भी पाया जाएगा, लेकिन ये तो हुई सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान जिसके सम्यक दर्शन हो ना उसके होते हैं मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। बताओ हमारे क्या सम्यक दर्शन, सॉरी मैं थोड़ा सा सेंटेंस को दूसरी तरीके से बोलना चाह रहा था, जुबान फिसल गई मेरी, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ क्या हमें मति ज्ञान है, है, कोई भी उत्तर दे सकता है आप में से, क्या हमें मति ज्ञान है, है? मति ज्ञान, हाँ आप दिखा तो रहे हैं सिंबल, मैं समझ गया आपका उत्तर क्या देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमें मति ज्ञान नहीं है, हमें कुमति ज्ञान, हमें का मतलब मैं गारंटी सबकी नहीं ले रहा हूँ, यदि किसी को सम्यक दर्शन है तो उसका मति ज्ञान, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है उसे मति ज्ञान नहीं है, कुमति ज्ञान है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है उसे श्रुति ज्ञान नहीं है, उसे कुश्रुति ज्ञान है, हैं, जिसे सम्यक दर्शन नहीं है उसे अवधि ज्ञान नहीं है, उसे कु अवधि ज्ञान है या विभंग अवधि ज्ञान। तो नारकी जीवों में सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, है ना, और यदि सम्यक दृष्टि हुए तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान ये तीन पाए जाएंगे वहां पर, और यदि मिथ्या दृष्टि कोई नारकी है तो उसके कुमति कुश्रुत और कु अवधि ज्ञान पाए जाएंगे, कु अवधि को विभंग अवधि भी बोलते हैं। तो ये छह ज्ञान, आठ ज्ञान में से छह ज्ञान नरकों में पाए जाते हैं। ये ज्ञान मार्गना हो गई, चेक लिस्ट में मिलाते जाना आप, ठीक है। उसके बाद में दर्शन, दर्शन मार्गना, तो तीन दर्शनों से सहित है, चार दर्शन होते हैं टोटल,
चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो चक्षु अचक्षु तो है ही, हमारे भी है उनके भी है, और अवधि दर्शन वो इसलिए है कि अवधि ज्ञान है ना, इसके पहले अवधि दर्शन होता है तो वो भी है उनके, लेकिन केवल दर्शन तो केवल ही भगवान के होता है, तो उसको छोड़ के बाकी के तीन दर्शन नरकों में पाए जाते हैं, ये अगली चेकलिस्ट में मिलान कर लेना। फिर गुण स्थानों की अगला पॉइंट है अपना गुण स्थान, तो कौन कौन से गुण स्थान नरकों में संभव है, पांचवा गुण स्थान हो सकता है क्या, कि संभव ही नहीं है, कि चौथा हो सकता है सम्य दर्शन वाला, हाँ जरूर हो सकता है सम्य दर्शन हो सकता है, इसलिए पहला दूसरा सासदन, तीसरा मिश्र, चौथा असंयत सम्य दृष्टि नाम का, ये चार गुण स्थान नरकों में पाए जा सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है कुछ भी, लेकिन पाए जा सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट जो हो सकती है वो बताई जा रही। समझ में आ रहा है विषय, कठिन तो नहीं है ये क्या बात चल रही है, ये दार्शनिक बात नहीं चल रही है, ये बहुत टू द पॉइंट बात चल रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत दार्शनिक चल रही है, फिलोसफिकल चल रही है, ऐसा नहीं है, वो लिस्ट फिर से दिखाता हूँ एक बार, क्या है समय लगेगा लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से देखो, ये जो है ना मैंने ये जो लिस्ट है इसमें कितने 14 पॉइंट हैं, हम एक एक पॉइंट नरकों में घटित कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं नरकों में से कौन सा मिलेगा, कसाय कौन सी मिलेगी, ज्ञान कौन सा मिलेगा, सब चीज ठीक है ना, ये चीज चल रही है। अब देखो वापस आता हूं वहीं पर है, अब देखो वापस ये पुस्तक है हाँ, तो चक्षु व चक्षु अवधि दर्शन तीन दर्शन मिलेंगे, मिथ्या दृष्टि सासाधन मिश्र और असंयत सम्य दृष्टि अवृत सम्य दृष्टि, चौथा चार गुण स्थान नरकों में मिलेंगे, कोई भी नारकी इतना पावरफुल नहीं है कि वो पांचवें गुण स्थान पहुंच जाए, चार मैक्सिमम चढ़ सकता है, पांचवा पॉसिबल ही नहीं नरक में, ठीक है। फिर उसके बाद में लेश्या, अगला पॉइंट लेश्या, लेश्या देखते हैं तो कृष्ण आदि तीन भाव लेश्याओं से सही थे, लो क्या बात कह रहे हैं, लेश्या कितनी होती, छह होती है, छह में से तीन लेश्या नरक में है ज्ञात है जब कृष्ण लेश्या है, कृष्ण नील कापोत, ये तीन लेश्या नरकों में पाई जाती है, पीत पद्म शुक्ल, ये तीन लेश्या जो है वो नारकी जीवों में बहुत है नहीं वहां पर है, वहां क्योंकि परिणाम बहुत ज्यादा वो है ना संक्लेशित, इसलिए तीन लेश्या वाले, और फिर भी सम्य दृष्टि, पॉइंट सोचना अपना क्या है, कनेक्शन नहीं हो पाता दोनों पॉइंटों में, आपस में कनेक्शन नहीं हो पाता, अभी अभी यहां आया कि नरकों में सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं चौथे गुण स्थान वाले, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या आया कि नरकों में कृष्ण नील कांपो तीन अशुभ लेश्या वाले जीव हैं, ठीक है, तो तीन अशुभ लेश्या रहते हुए भी सम्यक दर्शन हो सकता है, ये निष्कर्ष समझ में आया कि नहीं आया समझ में, देखो इससे एक बात और निकल के आती है, कसायों की तीव्रता और मंदता, तीव्रता यानी अशुभ और मंदता यानी शुभ, शुभ भाव और अशुभ भाव ये दोनों ही धर्म नहीं है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, कसाय तीव्र भी हो सकती है मंद भी हो सकती है, धर्म अपनी जगह हो सकता है, बोलो गजब बात, अब सिद्ध होता है कि नहीं होता है, ये शुभ अशुभ भाव धर्म नहीं है, समय सार की बात यहाँ बीच में आई कि नहीं आई, पूरा पुण्य पाप अधिकार बीच में आ गया, अब चाहो तो पूरा पुण्य पाप अधिकार बताया जा सकता है आपको, समझ में आई बात, और कितने लॉजिकल तरीके से आई ये बात एकदम सामने, इतना अच्छी तरीके से तो कहीं दूसरी जगह मिलती नहीं, समझ में आ रही बात आपको, मैं जो कहना चाह रहा हूँ हो सकता है मेरे शब्द छोटे पड़ रहे होंगे, आप सोचना इसको क्लास के बाद सोचना, नहीं तो चाहे तो एक बार फिर रिपीट करके बता देता हूँ कि देखो कसायों की तीव्रता और मंदता, तीव्रता माने अशुभ लेश्या और मंदता माने शुभ लेश्या, तो शुभ लेश्या तो है ही नहीं, ठीक है, अशुभ लेश्या में भी सम्य दर्शन मौजूद है, यानी कसाय तीव्र भी हो तो भी धर्म का संबंध उससे कोई लेना देना नहीं है, धर्म में कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, कितनी जबरदस्त बात कह दी, सोचने वाली बात है ये, ठीक है। तो तीन भाव लेशियाओं से सहित भव्य और अभव, हाँ अगला पॉइंट है भव्य होते हैं कि अभव्य होते हैं, कि दोनों ही प्रकार के होते हैं नारकी, कुछ भव भी होते हैं अभव भी होते हैं, और संगी असंगी में से कौन से होते हैं कि संगी होते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, ये तो हो गए शायद पूरे पूरे चेकलिस्ट शायद पूरी हो गई मेरे ख्याल में, है ना, भविया सम्मत सन्नी आहारे, अच्छा आहार आहार संज्ञा बची है शायद, आहारक होते हैं सभी आहारक नारकी, मतलब उनकी पर्याप्तियां पूरी रहती है, छह पर्याप्तियां होती है तो सभी पूरी हो जाती है, इसलिए सभी पर्याप्तक नारकी होते हैं, ठीक है। इसमें लिखा नहीं होगा शायद, या फिर होगा आगे कहीं कहीं देखते हैं, इसको लंबा पैराग्राफ है ना, कई बार बोरियत ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा बचता हूँ पढ़ने से, कम से कम पढ़ना चाहता हूँ कि आपको पढ़ने में बोरियत ना हो जाए इसलिए, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा
बेसिक बात है इसलिए जरूरी है देखना। नारकी निरंतर अशुभतर लेश्या परिणाम, अशुभ लेश्या, अशुभ परिणाम, अशुभ देहे, शरीर कितना मलिन होता है, दुर्गंध वाला शरीर होता है, डरावना शरीर होता है, भयंकर एड़ा टेढ़ा शरीर होता है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ क्या पसंद है कुबड़ ऐसा शरीर होता है। देह विक्रिया, विक्रिया यानी जो अपने शरीर के अनेक रूप बनाते हैं वो भी बड़े उल्टे सीधे रूप बनाते हैं, टेढ़े टेढ़े, बड़े खतरनाक जैसे, जैसे वो मूवी में दिखाते हैं बच्चों की मूवी में डराते हैं ऐसे ऐसे रूप बनाते हैं। वेदना, अशुभ वेदना, महावेदना, शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, खलबलाते हैं, आपने देखा होगा कुत्ते के माथे में एकदम कीड़े पड़ जाते हैं, वो उसके माथे को अंदर की तरफ से चमड़ी के अंदर भीतर से अंदर से कुतरते हैं, धीरे 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 कुतरने लगते हैं और उसके सिर में इतनी बुरी मुश्किल होती है, खुजा भी नहीं पाता है और वो चमड़ी को पूरी खा जाते हैं, खा करके यहाँ पे इतना बड़ा खोखला हो जाता है सिर, यहाँ से आपने देखा होगा कभी किसी कुत्ते को तो उसकी चमड़ी यहाँ से पूरी निकल जाती है और एकदम गड्ढा हो जाता है सिर के अंदर, गड्ढा ऐसा, और उस गड्ढे में कीड़े खलबल 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 आते रहते हैं, सोचो कितनी महापीड़ा होती है, इससे भी भयंकर पीड़ा उन नरकों में होती है, सोच नहीं सकते कल्पना के बाद। ये पीड़ा यदि हमें नहीं चाहिए तो दुराचरण से बचना चाहिए। देखो क्या शिक्षा मिलती है, जबरदस्त बात है, जबरदस्त बात है ना, ये तो वही चीज है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा रीडिंग से कम रीडिंग करें, आप खुद पुस्तक ले लीजिए और आप खुद पढ़िए और फिर उसमें जो नहीं समझ में आया वो क्लास में पूछिए, है ना, मैं यहाँ रीडिंग करने बैठ जाऊंगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा इसके लिए। ठीक है, अब ये पॉइंट हुआ अपना बेसिक बात क्लियर नरक के, ये मुझे पहले ही दिन बताने का था दिमाग में, ये मैं सोच रहा था कि पहले दिन कठिन बात ना करूं, है ना, हालांकि कठिन नहीं है लेकिन कुछ लोगों को लगती है इसके लिए। ठीक, अब दूसरी बात ये जो नरक बिल है, नरक बिल है ना, इन नरक बिलों की बात चल रही थी लास्ट क्लास में और मैंने आपको बताया कि जैसे हम यहाँ मध्य लोक में खुले मैदान में पहुंच जाएं, एकदम खुले मैदान में रात का समय है और ऊपर आसमान में देखते तो तारे तारे नजर आते हैं, कितने तारे, असंख्यात तारे नजर आते हैं, हम उन तारों को गिनना भी चाहे तो नहीं गिन सकते हैं, लेकिन उन तारों का कोई सिस्टम है, हैं, ये तारों का एक नहीं है मालूम नहीं, लेकिन नरक में भी जैसे अपन यहाँ मध्य लोक में ऊपर देखते हैं तो तारे दिखते हैं, ऐसे ही अधोलोक में पहले नरक में पहली परत में, पहले नरक में भी 13 परत है, उनमें पहली परत में सबसे ऊपर वाले में गए कल्पना में गए और जाकर के हमने ऐसा ऊपर देखा ही, ठीक है, तो ऊपर क्या दिखेंगे, खूब सारे नरक बिल दिखेंगे, जैसे यहाँ तारे दिखते हैं ऐसे नरक बिल दिखेंगे, नरक बिल जमीन में नहीं है, नीचे नहीं है, ऊपर है ऐसे उल्टे और खूब सारे बने हैं, ऐसा लगेगा जाने कितने वो गिन ही नहीं सकते ऐसा लगता है, और यहाँ तारों का कोई सिस्टम नहीं दिखता, कहीं पे भी इधर उधर इधर उधर ऐसे है, लेकिन नरकों में जो बिल है ना उनका एक सिस्टम है, वो पूरा है ना, जो नरक का एक राजू लंबा एक राजू चौड़ा चौकोर प्लेट है एकदम, बिल्कुल उस चौकोर में बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच एक जो बिल होगा उसका नाम इंद्रक बिल है, क्योंकि वो इंद्र यानी एक ही होता है, इंद्र तो पूरे इंद्र दो दो ही हो सकते हैं, एक ही हो सकता है, इसलिए एक परत पर एक ही इंद्रक बिल होता है और चारों दिशाओं में लाइन से बिल्कुल सीधे सीधे बिल बने होते हैं ढेर सारे, ढेर सारे माने कितने, 49 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन चारों दिशाओं में 49 बिल बने हुए होते हैं, चार दिशा हो गई, चारों दिशाओं के बीच बीच में एक एक दिशा और होती है, उसको विदिशा बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऐसा करके ईशान दिशा बोलते हैं, ईशान वायव्य आग्नेय ऐसा, तो वो जो चार विदिशा है उनमें भी लाइन से बिल्कुल बिल बने हैं लेकिन 49 नहीं, 48, एक कम कर लेना, 48 बिल, चार दिशाओं में 49 और चार विदिशाओं में 48 कितने हो गए, 8 लाइन हो गई, ये 8 रो हो गई, रो लाइन, 8 लाइन, 8 लाइन में ये 388 बिल पहली पटल पर हुए हैं, पहली पटल, टोटल पटल कितनी 49 है, 49 जिनमें से पहली पटल की ये स्थिति है। ये तो देखो दो प्रकार के बिल हुए अभी तक, इंद्रक बिल बीचों बीच, दूसरा बिल था लाइन वाला श्रेणीबद्ध बिल,
तीसरे बिल होते हैं प्रकीर्णक। प्रकीर्णक बिल का मतलब कोई सिस्टम नहीं है, जैसे आकाश में तारे किधर भी हो सकते हैं, ऐसे किधर भी बिल हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। वो जो आठ लाइन बन गई ना आपके पास, उन आठ लाइन के बीच बीच में भी खाली जगह में किधर भी कहीं पर भी कोई भी बिल हो सकता है, तो उसको प्रकीर्णक बिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के बिल होते हैं। ये चर्चा अपने पिछली बार हुई थी और इसमें मैंने आपको एक पटल, सिर्फ एक पटल के बिल, नहीं एक पटल नहीं, पूरा एक नरक 13 पटल, उन 13 पटल के बिलों की संख्या गिन करके बताई थी, कैलकुलेट करके दिखाई थी। जैसे पहली पटल पर 388 बिल हो गए कि नहीं हो गए, कैलकुलेट किया किसी ने आपने? ऐसा कुछ दिखाओ मुझे कि किया है कि नहीं किया। नहीं किया तो करके दिखाऊं क्या मैं आपको? देखो कैसे हुए, 49 49 तो चार दिशा में, और 48 48 चार विदिशा में। अब ये आठ दिशाओं को कैलकुलेट कर लेना, 388 आएंगे। ठीक है, एक पटल का, लेकिन अभी पूरे 13 करेंगे जब जाके एक नरक पूरा आएगा। तो अब सुनो, पहली पटल पे 388 हो गया, लेकिन दूसरी पटल पे 388 नहीं है, थोड़े कम है। जैसे जैसे नीचे जाओगे वहां वैकेंसी कम है, समझ गए ना? तो कितनी कम होगी कि वहां पर चार चार दिशा और चार दिशा, आठ दिशा, आठ दिशा में एक एक बिल और कम कर लो। कैसे? कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चार दिशा में 49 बिल थे पहली पटल पर, लेकिन दूसरी पटल पर 48 रह जाएंगे। समझ में आया? 49 की जगह 48 रह जाएंगे, एक कम हो जाएगा। और चार विदिशा में 48 थे पहली पटल पर, जो दूसरी पटल पे जाते एक कम हो गया, यानी 47 रह गए। समझ में आया? ऐसे ही तीसरी पटल पे जाएंगे तो दिशाओं के बिल 47 रह जाएंगे और विदिशाओं के 46 रह जाएंगे। एक एक कम करते जाना, एक एक कम करते जाना, एक एक कम करते जाना, आगे तक। दूसरे नरक में भी ऐसा ही, तीसरे में भी ऐसा ही, यही सिस्टम है। एक पटल समझ में आ गई, पूरी 49 समझ में आ गई, गजब है, एकदम सिस्टम है, एकदम सिस्टमेटिक है। ये करुणा नियोग कहने को ही कठिन है। मैं तो बहुत डरता था पहले, भयंकर, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा अरे इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, ये तो बहुत ईजी है, याद रखना भी ईजी है। बताओ कितना ईजी है याद रखना? एकदम याद रखना ईजी, एक एक ही कम करना है। अच्छा चलो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक एक नंबर कम किया हमने, पहली पटल पर 49 थे चारों दिशाओं में, ठीक है, एक एक कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट की पटल कौन से नंबर की? 49 नंबर की। उस पर कितने बचेंगे चार दिशाओं में? है कोई भी उत्तर दे सकता है? किसी को मालूम है? एक एक कम हो जाएंगे। हाँ चार बिल कम हो जाएंगे ना। हाँ चार बचेंगे, हाँ चार ही बचेंगे, एक एक बचेंगे, चारों दिशाओं में एक एक ही बचेगा। पूर्व में एक, पश्चिम में एक, उत्तर में एक, दक्षिण में एक, है ना? 49 बिल है एक दिशा में और पटल भी 49 है, और एक एक बिल कम करेंगे तो लास्ट की पटल पे तो एक एक ही बचेगा, है ना? चार दिशाओं में एक एक बचेंगे, और विदिशा में बचेगा क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कम है, तो यहाँ एक भी नहीं बचेगा। फिर सातवें नरक में एक ही पटल है, सातवें नरक में एक ही पटल है, उसका नाम अप्रतिष्ठान। हर पटलों के नाम भी हैं शास्त्रों में, पूरी 49 के नाम है मौजूद, है ना? अशुभ नाम है ना, लेकिन फिर भी बताए हैं शास्त्रों में। और केवली के ज्ञान में तो उन नरक बिलों के भी नाम है, लेकिन इतने 84 लाख नामों को कौन बतावे, कौन याद रखे, कौन समझे, है ना? इसलिए वो प्रयोजनभूत नहीं है, ऐसा जान के छोड़ दिया। लेकिन पटलों के नाम है, पूरे पटलों के नाम है, लेकिन पूरे के याद नहीं हुए तो जाने दो, लेकिन पहली पटल और अंतिम पटल इनके नाम जरूर याद रखो, उनका काम पड़ेगा। इसलिए पहली पटल का नाम क्या? सीमंतक पटल है, सीमंतक पटल है, पहली नरक की पहली पृथ्वी, पहली परत, पहली नरक की पहली परत, उसका नाम है सीमंतक पटल, है ना? और अंतिम नरक की अंतिम पटल, यानी एक ही पटल है लास्ट में, उसका नाम अप्रतिष्ठान या अवधिष्ठान नाम है। ठीक है, जो नाम पटल का है, जो नाम पटल का है, वही नाम उस पटल के बीचों बीच जो इंद्रक बिल है ना, उसका भी वही नाम है। इंद्रक बिल का भी वही नाम, पटल का भी वही नाम। जैसे सीमंतक पटल पर जो इंद्रक है उसका नाम सीमंतक इंद्रक, अप्रतिष्ठान पटल पर जो इंद्रक बिल है उसका नाम अप्रतिष्ठान इंद्रक बिल है। अभी समझ में आई बात इतना? ठीक है, अब देखो इसमें बहुत बहुत काम काम की बात निकलेगी, बहुत क्या बोलते हैं टेक्निकल चीजें। उन नरकों में भले ही हमने अनंत बार जाकर आए हैं, लेकिन अभी कुछ याद नहीं है,
अच्छा किसी को पूछते बताओ तुम नरक गए थे ना पहले कभी, तो वहां कैसा लगता है, कैसा दिखता है वहां? कोई बता नहीं पाएगा, लेकिन शास्त्रों में सब बताया, एकदम पिक्चर, एकदम दिमाग में एकदम पूरा कर दिया, जोरदार गजब है ना। तो अब देखो, तीन प्रकार के नरक बिल, पहला इंद्रक, दूसरा श्रेणीबद्ध, तीसरा प्रकीर्णक। तीनों की चर्चा मैंने बहुत संक्षेप में निपटाई, आपको कठिन ना हो जाए इसके लिए। यदि डिटेल चाहिए तो आप इशारा कर देना, मैं डिटेल कर दूंगा। डिटेल है मेरे पास उसकी बहुत सारी, फिर मैंने उसको समेट दिया कि आपको कहीं बोरियत ना हो जाए। जैसे एक नरक की तो काउंट करके दिखाई, जैसे 388 पहली पटल के हैं। अब चार दिशा, चार विदिशा, आठ रो में एक एक कम करते ही 8 बिल अगली पटल पे कम होंगे, यानी कि 380 रह जाएंगे। तीसरी पे और 8 कम करेंगे तो 372 रह जाएंगे। ऐसे ऐसे करके 13 पटल के अपन ने जोड़ लिए, कितने आए थे, कुछ 4420 आए थे, और 13 इंद्रक बिल है तो 4423 हो गए है ना। और बाकी बचे 30 लाख में से जितने भी हैं वो सब हो गए आपके प्रकीर्णक बिल। ऐसा करके एक नरक का सिस्टम मैंने समझाया, दूसरी नरक का भी ऐसे ही निकालना, तीसरी का भी ऐसे ही निकालना, सबका ऐसे ही निकाल लें। ये तो तीन प्रकार के बिल, नरक बिल, उनका एक संक्षेप, ठीक है। अब इस ये बात समझ में आ गई, जब तो आगे बढ़ हुआ। अब अभी इसकी चर्चा बहुत ज्यादा खींचूंगा तो आपको यदि इच्छा हो तो मुझे बताना, मैं इसको और स्पष्ट कर सकता हूँ और एक्सप्लेन, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मेरे पास इंद्र ये नरक बिलों के बारे में ही बहुत बातें हैं, अभी बहुत बातें हैं, फिर दूसरी बात शुरू करूंगा। इसके पहले दूसरी बात शुरू करूं उसके पहले पहली बात क्लियर होनी चाहिए, है ना, कठिन नहीं लगना चाहिए, है पहली बात क्लियर होना चाहिए। तीन प्रकार के नरक बिल हैं, एक सेंटर वाले, दूसरे लाइन वाले, तीसरे जो है इधर किधर कहीं पे भी, ठीक है। तीनों के नाम हो गए है। अच्छा अब इसके आगे इन्हीं नरक बिलों को हम दो भागों में बांट देते हैं। तीन तीन भाग, तीन प्रकार के बिल हैं लेकिन इनको दो भागों में बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं, एक मिनट जरा, अभी क्या ब्लैक बोर्ड नहीं है ना अपने पास, तो अपन स्क्रीन शेयर करके ही इस काम को करते हैं। देखो प्रैक्टिकली समझ नहीं का इसको ढंग से, देखो ये टेबल मैंने पहले से ही बना के रखी है। अच्छा आप में से कोई मुझे नरकों के नाम सुना सकता है, कोई भी? किसी का मन हो तो सुना दो, नहीं नहीं तो कोई बात नहीं है, किसी का मन हो सुना सके 7 नाम नरकों के। रत्न प्रभा, हाँ शर्करा, हाँ बालुका, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तप तम प्रभा, महातम प्रभा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर है। आपको याद है, देख करके सुनाया आपने? अच्छा नहीं देख के सुना है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बार बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे। चलो देखो, जो पहली नाम नहीं लिखे मैंने, आपसे बोलवा के देख लिया है। पंडित जी, हाँ पंडित जी, हाँ बोलिए। जिस गली जाना नहीं उसका नाम याद रखना ये बात भी सही है, आपका लॉजिक बात तो सही है ना। हमसे तो इन बिलों से बचना है, लेकिन फिर भी जानकारी की दृष्टि से शास्त्रों में लिखा है, इसलिए जानने की दृष्टि से है। अब देखो टोटल बिल पहले नरक में कितने हैं, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख। दूसरी में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, पांचवी में 3 लाख, और छठी में 99,995, ठीक है, और सातवीं में ओनली 5। ये संख्या तो लाखों में है यहां तक, और इसके बाद बिना लाखों में है, ठीक है। ये टोटल नंबर हमारे पास है, टोटल आप काउंट करेंगे तो ये हो गए हमारे पास 84 लाख बिल, ठीक है। अब इन बिलों को दो भागों में बांटना है, ठीक है, नया पॉइंट है, आप भी एकदम नया, जिसकी चर्चा पहले नहीं की अभी अपन, ठीक है। अब इस पॉइंट में समझने की बात ये समझो कि टोटल बिल जितने भी हैं, जितने भी टोटल हैं, 84 लाख हुए टोटल, उनको 5 भागों में बांट दो, 5 टुकड़े कर लो। यदि 5 लाख बिल हैं तो पांच, एक एक लाख के 5 टुकड़े कर दो। उनमें से एक पीस यानी कि 1 लाख बिल, वो तो है संख्यात योजन के विस्तार वाले, संख्यात योजन के यानी मेजरेबल, मापन करने योग्य, मापे जा सकने योग्य, जिनकी चौड़ाई लंबाई किसी न किसी रूप में है, हाँ भाई इतना तो है। लेकिन बाकी के जो 4 लाख बिल बचे 5 में से, यानी कि चौगुणे,
संख्यात बिलों की संख्या से चौगुने बिल, चार गुने बिल असंख्यात योजन वाले हैं। समझ में आया, है ना? 5 लाख बिल में से 1 लाख बिल तो संख्यात योजन वाले हैं और 4 लाख असंख्यात। गलती मत कर देना, कुछ लोग गलती कैसे करते हैं देखो मैं बोल के बताऊं। ऐसे करेंगे, एक जितने बिल असंख्यात योजन के हैं उससे 4 गुना बिल संख्यात योजन वाले हैं। ये गलती हो गई है। क्या गलती हो गई? संख्यात बिल कम है कि असंख्यात बिल कम है, ये दिमाग में फिट कर लेना। संख्यात बिल कम है कि असंख्यात कम है? संख्यात योजन वाले बिल कम है, असंख्यात योजन बिल वाले, असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल ज्यादा है। कहने का मतलब बड़े बड़े बिल है ना वो ज्यादा है और छोटे छोटे बिल है वो कम है। ये सिद्धांत आप दिमाग में फिट कर लेंगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी आप, है ना? देखो, चार एक भाग और चार भाग ये तो याद रह जाएगा आपको, लेकिन फिर कंफ्यूजन कहाँ हो जाएगा? अच्छा, एक भाग संख्यात का बताया था कि असंख्यात का बताया था? अरे ऐसे ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। एक भाग आपका संख्यात वाला है और 4 भाग है वो असंख्यात वाला है। अब देखो नापते हैं, ये जो बिल है 30 लाख, 30 में से 5 टुकड़े करो, कितने कितने 6-6 लाख के होंगे, 6×5=30, ठीक है? तो 6 लाख बिल तो आपके मेजरेबल यानी मापन करने जा सके इतने बड़े होते हैं। 30 लाख बिलों में से 6 लाख बिल तो मापे जा, योजना है इतना भले लाखों में हो करोड़ों में हो लेकिन माप सके, है ना? लेकिन जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों के भी आगे निकल जाए जबरदस्त, इतने योजन का हो जाए बड़ा बिल, इतने बिल कितने? 24 लाख बिल पहली नरक में। आपको ये सुनो, एक चीज और बताता हूँ। बिल शब्द बोलते ही अपन को लगता है छोटा मोटा चूहे का बिल होएगा, सांप का बिल होएगा। हम तो बिल बिल माना छोटा समझते हैं और ये समझते हैं दो चार एक दो नारकी रहते होंगे उसमें, 84 लाख बिल में 84 लाख ही नारकी होते होंगे। ऐसा नहीं है, एक बिल में बहुत नारकी होते हैं, बेहिसाब नारकी होते हैं, पूरा आपका देश है ना। पंडित जी, हाँ, यहाँ पे महायोजन प्रमाण योजन लगता है, प्रमाण योजन लगेगा, बिल्कुल सही। देखो पूरा भारत देश है ना आपका, कितना बड़ा है भारत, वो पूरा भारत देश एक ही बिल में समा जाए और वो भी सबसे छोटे वाले में, सबसे छोटे वाला मेजरेबल वाले में। सोचो आप, अब सोचो पूरे भारत की कितनी जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या इतने नार की तो एक ही बिल में मिल जाएंगे आपको, इससे ज्यादा ही मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात? मतलब ये अपन को लग रहा है 84 लाख, अच्छा ठीक है 84 लाख, अरे 84 नहीं है, 84 लाख के एक एक के अंदर बहुत नार की है भाई, वो बिल कहने को ही है, वो तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं आपको भी बताऊंगा, मैं भूल जाऊं ना, जैसे मान लो आज की क्लास का टाइम हो जाए या मैं भूल जाऊं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप मेरे को याद दिलाना। आप क्या याद दिलाना? कि वो जो पहला बिल है सीमंतक पटल का, जो सीमंतक इंद्रक पहला बीच का, वो कितना बड़ा है, वो मेरे को इतना याद दिलाना, ठीक है? एक बिल समझाऊंगा, फिर मैं आपको 10 तरीके की बात उसमें से निकाल के बताऊंगा, ठीक है? वो याद दिला देना, मेरे को याद नहीं रहती, बहुत चीजें हैं दिमाग में इसके लिए, ठीक है? अब देखो क्या समझ में आई, पहली नरक में जो 30 लाख बिल हैं उनमें से 6 लाख बिल तो मापे जा सके इतने बड़े हैं, लेकिन 24 लाख बिल इतने हैं, इतने बड़े हैं कि जिनको हम माप ही नहीं सकते, लाखों करोड़ों अरबों खरबों योजनों तक पहुंच जाए तो भी खत्म ना आवे, इतने बड़े बड़े बिल है। समझ में आई बात? ठीक है, अब दूसरे नरक में 25 लाख में से 5 लाख बिल तो संख्यात योजन के है और 20 लाख बिल है, सही है क्या? गलत कर दिया मैंने, है गलत कर दिया ना, है सही किया, बता देना गलती हो जाए तो, ठीक है? तो 20 लाख बिल असंख्यात योजन के है और इसमें से 5 टुकड़े करते 3 लाख बिल तीसरे नरक में संख्यात योजन के है और 12 लाख बिल असंख्यात योजन के है, 2 लाख बिल चौथे नरक में संख्यात योजन के है और 8 लाख बिल संख्यात योजन के हैं, 5वें नरक में कितने 60,000 बिल, 1, 2, 3 60,000 बिल संख्यात योजन के हैं और 2,40,000 बिल असंख्यात योजन के हैं। समझ में आ रहा है ना, एक टुकड़ा और चार टुकड़े, टोटल 5 टुकड़े किए अपन ने, पूरी संख्या सामने लिखी है। अब देखो इसमें से 4 कम करने ना,
तो कैसे करोगे कम? उन्नीस हजार नौ सौ निन्यानवे, इतने बिल तो आपके सही है क्या? गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं? हाँ, इतने बिल तो आपके संख्यात योजन वाले हैं, और सात हजार नौ सौ नहीं नहीं उन्यासी हजार नौ सौ छियानवे बिल, सही है गलत है? हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से नौ चौक छत, हाँ ठीक है, इतने बिल जो है असंख्यात योजन वाले हैं। अब ये तो और सरल है, आप में से कोई बोल के बताओ, छह महीने की अब एक आप कर दो, सबसे छोटा वाला बोलो, संख्यात योजन के कितने बिल हैं सातवें रकम में? एक और चार। हाँ बहुत बढ़िया, एक और चार, बहुत बढ़िया। तो ये जो है हमने इनको माप लिया। अब एक लाइन और बनाता हूं इसमें, देखो आप एक मिनट, ये मापन बिल टोटल कितने हो गए, ये यहां से लेकर के यहां तक के टोटल कितने हो गए? सोलह लाख, और क्या हुआ, सोलह लाख अस्सी हजार, सोलह हजार बिल संख्यात योजन के हैं, और बाकी के कितने बचे? सड़सठ लाख बीस हजार असंख्यात योजन के हैं। दो भागों में बट गए, सारे बिल दो भागों में बट गए हैं, ठीक है। संख्यात योजन के बिल पूरे के पूरे नरकों में सोलह लाख अस्सी हजार ही हैं, ठीक है, और उनसे चार गुने सड़सठ लाख बीस हजार बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। जो बिल संख्यात योजन के हैं उनमें संख्यात नारकी रहते हैं, और जो बिल असंख्यात योजन के हैं उनमें असंख्यात नारकी रहते हैं। सीधी गणित है ये, एकदम सरल है ये, करुणा नहीं कठिन नहीं, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत मजेदार है, गजब है सब। यहाँ बैठे बैठे अधोलोक के दर्शन हो जाएंगे, ऊर्ध लोक के भी दर्शन हो जाएंगे, देव देवियों के दर्शन हो जाएंगे आपको सब देखने की जरूरत नहीं है आपको। अमेरिका घूमने जाते हो तो कितने का टिकट है भाई, है प्लेन में कितने रुपए लगते हैं? मैं तो गया नहीं, पता नहीं कितना टिकट लगता है, लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन ऐसे बताते लोग मुझे। तो लाखों रुपए में जब आप उधर घूमने जाते हो, और नरक की प्लेन कौन सी, कितना टिकट लगेगा उसका देखने का, सैर करनी हो जरा देख के आए, देखे कैसा है, तो कितना टिकट लगेगा बोलो, है दस पांच लाख रुपए तो लग ही जाएंगे कम से कम, है। अब बताओ दस पांच लाख रुपए का माल आपको यहाँ दे रहे हैं फ्री में, उसको लेने कोई ले आता नहीं है, कितनी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है भाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, रेयर है, है रेयर है सुनने के लिए। अब ये टोटल कितने हुए? चौरासी लाख, ठीक है, हो गया, समझ में आया? देखो अभी एक मिनट इसको हटाता हूं बार बार। पहले तो हमने तीन प्रकार के बिल बताए थे, उन तीन प्रकार के बिलों को दो भागों में बांट दिया था, ठीक है। अब मैं इन्हीं तीन प्रकार के बिलों को, यानी पूरे चौरासी लाख बिलों को, फिर दूसरे तरीके से दो भागों में बांटूंगा, दूसरे तरीके से। अब की बार एक तीसरा नया तरीका, ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए, अब तीसरा नया पॉइंट आता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट और सुन लो। देखो चौरासी लाख बिल है और नरक सात है, ठीक, बेसिक बात है ये। अब सुनो, इन नरकों में गर्मी भी बहुत है और सर्दी भी बहुत है, ठीक है। अब गर्मी और सर्दी दोनों ही बहुत हो जाएगी तो लेवल में आ जाएगा समझ में आ रही क्या कहना है, क्या चाह रहा हूं? मान लो टेम्परेचर गर्मी भी हो जाए सर्दी भी हो जाए, तो न तो वो सर्दी रही न वो गर्मी रही, लेवल में आ जाएगा ना। इसके लिए नरकों में, कोई कोई नरक में तो सर्दी बहुत है और कोई कोई में गर्मी बहुत है ना। अच्छा थोड़ा सा इसके पहले मुझे आप ये बता सकते हैं कि सर्दी में ज्यादा कष्ट होता है कि गर्मी में? कौन बता सकता है? अपनी समझ के अनुसार, गलत भी हो जाने तो कुछ घबराना नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। सर्दी, सर्दी, हाँ सर्दी में, सर्दी में ज्यादा कष्ट है क्योंकि आगे के नरकों में सर्दी बहुत है, नरक बिल्कुल ठंडा है एकदम जबरदस्त, आपका कोल्ड स्टोरेज का भी बाप फेल हो जाए एकदम भयंकर, ऐसी जबरदस्त सर्दी है कि योजन का सुमेरु पर्वत के जितना बड़ा गोलाकार लोहे का जबरदस्त गोला डाला जाए ऊपर से, तो नीचे धरती पे गिरने के पहले पहले चकनाचूर हो जाएगा। चकनाचूर कैसे हो जाएगा? सर्दी से भी होता है क्या? सर्दियों में रेल की लाइनें जो है ना, पटरियां,
वो चटक जाती है ना, तो ऐसे ही लोहे का गोला चकनाचूर टुकड़े टुकड़े होके बिखर जाएगा। जबरदस्त सर्दी है, इतनी खतरनाक सर्दी, सातवें नरक में, छठवें नरक में और पांचवें नरक के कुछ भाग में। कुछ भाग में इसलिए बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि दो मत है आचार्यों। एक आचार्य कहते हैं कि पांचवें नरक के 1/3 भाग में, दूसरे आचार्य कहते हैं कि 1/4 भाग में। समझ लेना, दो मत है, 1/3 अथवा 1/4 भाग में सर्दी है, और बाकी जो बचा पांचवें का और शुरू के 4 उतने में गर्मी है। गर्मी भी जबरदस्ती है, जितनी सर्दी है ना ऐसी गर्मी भी है। कैसी गर्मी है, मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। समझ में आई बात, तो अब सुनो सर्दी और गर्मी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये बताने, ठंडे बिल कितने और गर्म बिल कितने, ठंडे बिल कितने और गर्म बिल कितने। अब ये तीसरा विभाजन है, पहला विभाजन था 3 प्रकार के बिल, दूसरा विभाजन था संख्यात और असंख्यात योजन वाले बिल, और तीसरा विभाजन है ठंडे बिल और गर्म बिल। समझ में आई बात, 3 तरीके का विभाजन है। तो देखो वापस मैं आपको टेबल दिखाता हूं, आपको बहुत इजी पड़ेगा समझने के लिए। देखो पहले नरक में ठंडे हैं कि गर्म है, सारे बिल कैसे हैं, गर्म है। दूसरे नरक के गर्म, तीसरे के भी गर्म, चौथे के भी गर्म। तो गिन लो, 4 तक तो गिनो आप कम से कम, 30 और 25, 55 और 15, 70 और 10, 80। 80 लाख तक तो गर्म ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा है। अब जो ये पांचवें का 1/3 यानी 1 लाख बिल और ले लो इसमें से, कितना, 81 लाख है, सही है क्या, हाँ 81 लाख बिल, 81 लाख बिल गर्म हो, ठीक है, कोई कठिनाई है, बोलिएगा हाँ ना, तो कुछ तो भाई समझ में आ रही बात। सर मैं समझा था कि चौथे से ठंडा नरक चालू होता है ना जी, पांचवे से जो गर्म वाले होते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं, ऐसे में मेरे समझ में है। नहीं जी, चौथे में तो पूरा गर्म है और पांचवे का भी 1/3 अथवा 1/4 पार्ट जो है गर्म है, पांचवे से होता है, है? तो अब देखो 81 लाख बिल एक आचार्य के हिसाब से, यदि अपन 1/3 काउंट करते हैं तो 81 लाख बिल तो हो गए गर्म बिल, और बाकी कितने बचे, 3 लाख बिल, वो हो गए ठंडे। ये देखो, एक मिनट यहां लिख लो आप, 81 लाख गर्म और 3 लाख ठंडे, एक आचार्य का मत है ये, ठीक। अब दूसरे आचार्य के हिसाब से काउंट करें तो 4 तो पूरे ही गर्म है, 80 लाख, ठीक है 80 हुए ना, हाँ। और इसका यदि 1/4 काउंट करें तो कितना हुआ, 80 लाख और 75 हजार, 80 लाख 75 हजार बिल तो गर्म हो गए, और फिर बचे कितने, 2 लाख, कितने बचे भाई, 3 लाख, 3 लाख नहीं लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, और 25 हजार, इतने बिल जो ठंडे बचे, सही है ना, मेरी संख्या गलत हो तो बता देना भाई, भूल चूक हो सकती है, भूल चूक हो सकती है। सर एक पूछना था, हाँ। कि जिस चीज को आचार्यों ने देखा ही नहीं है उसमें, हाँ। ये ऐसे फिगर्स का मतभेद कैसे हो सकता है। हाँ मतभेद क्या होता है कि पहले जो है ना श्रुत परंपरा थी, आपका प्रश्न अच्छा है, पहले श्रुत परंपरा होती थी, श्रुत परंपरा का अर्थ है कि शास्त्र लिपिबद्ध नहीं होते थे, लिखे हुए नहीं होते, वो सब सुन करके एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी जेनरेशन टू जेनरेशन जो चलता रहता था, उसमें कभी कभी कहने सुनने में कोई व्याख्या में फर्क पड़ जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आगे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आएगा, आगे आएगा इसमें ही, लेकिन मैं पहले ही, आपने प्रश्न पूछ दिया तो मैं पहले, हालांकि समय हो चुका, फिर भी मैं आगे भी स्पष्ट करूंगा, अभी शॉर्ट में उत्तर देता हूं। जैसे सातवें नरक में, सातवें नरक में लगातार नारकी जाए, जैसे सातवें नरक से निकला और वापस सातवें में चला जाए, तो ऐसा कितनी बार लगातार हो सकता है, ऐसा एक एग्जाम्पल आएगा आगे, तो उसमें लिखा है कि एक बार हो सकता है, सातवें नरक में आया और वापस एक बार चला जा सकता है, ठीक है।
अब इसका सुनो, दो अर्थ निकल रहे हैं इसमें से, अर्थ ही दो निकल रहे हैं, मतभेद तो उत्पन्न अपने आप ही होएगा, आचार्यों की भी गलती नहीं बेचारों को। कैसे दो अर्थ कैसे निकल गए कि लगातार दो बार हो गया ना, पहले नरक निकला और फिर दोबारा गया, दो हो गया। तो दूसरे आचार्य ने लिख दिया अलग ग्रंथ में कि सातवें नरक में लगातार दो बार जा सकता है, सातवें नरक में दो बार जा सकता है, और एक आचरण लिखा सातवें नरक में लगातार एक बार जा सकता है। अब बताओ अपने आप ही मीनिंग निकलेगा, क्या कर सकते हैं। अभी इस बात से आपका उत्तर है ना बहुत सटीक तरीके से समझ में आ गया होगा, भाई गलती नहीं है, बात ही ऐसी है, बात में सही समझ में आया ना। तो ऐसा फर्क हो सकता है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन दोनों का रिटर्न टिकट, हाँ हाँ रिटर्न टिकट साथ में आ जाता है, समझ में आई बात। तो क्या समझ में आया, देखो तीन प्रकार के बिल हो गए, तीन प्रकार के बिलों को दो भागों में बांट दिया, संख्यात और असंख्यात, फिर तीसरे तरीके से बांट दिया ठंडे और गर्म। ठीक है, गर्म बिल जो है ठंडे बिल बहुत कम है ना, और आगे के नवक्रम ठंड बहुत है, इसलिए इसका मतलब है कि सर्दी ज्यादा कष्टदायी है ना। तो इस प्रकार से आज अपन ने नरक बिलों का विभाजन पढ़ा। ठीक है, इसी के साथ अपन आज की बात तो करते हैं पूरी, बातें तो बहुत बच रही है, जबरदस्त बातें बच रही है, पूरे नरक के दर्शन बाकी हैं अभी तो, है ना सर। सर अपने शास्त्रों हाँ, में हाँ, सर गर्म हो या ठंडा नरक हो कुछ हाँ, टेम्परेचर का हिसाब दिया है उन लोगों ने ना? टेम्परेचर तो असंख्यात में है, संख्यात में है ही नहीं तो कैसे देंगे वो, मतलब क्या। देखो एक चीज, मेरे पास समय कम पड़ रहा है, अभी आपका टाइम तो हो गया, लेकिन एक दो बातें जो प्रॉपर समझे बिना अधूरा समझ के यदि जाएंगे आप, तो आपके मन में है ना वो बात पचेगी नहीं, भले ही सुन लेकिन एक कान से निकल जाएगी दूसरे से, उसको यदि दिल में बिठाना है तो उसका लॉजिक समझो आप। देखो एक प्रश्न आपने मेरे को पूछा नहीं, लेकिन मैं ही पूछता हूँ आपकी तरफ से, फिर उसका उत्तर देता हूँ। एक प्रश्न आपके दिमाग में ये उत्पन्न नहीं हुआ कि भाई जब इतनी सर्दी है अपन तो जरा सी सर्दी में मर जाते हैं, तो वो नारकी कैसे, मतलब ये तो कुछ ज्यादा अतिशयोक्ति हो गई, जमा नहीं रहा, नहीं जमा थोड़ी होता है, ऐसा आपको मेरे से पूछना चाहिए। भाई आपने पूछा ही नहीं, अब मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, इसका उत्तर भी दे देता हूँ। इतनी सर्दी जिसमें मेरु समान लोहे का गोला वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो क्या नारकी कोई पत्थर का बना है, वो वज्र का है, उस लोहे के गोले से भी जबरदस्त है क्या वो, कि जो इतनी सर्दी सहन करके रह रहा है वहां 33 सागर तक, ऐसा ऐसा ये प्रश्न समझ में आया आपको? देखो इसका उत्तर क्या है, उत्तर ये है कि जो हमारा शरीर है वो औदारिक है, और वो जो नारकी है ना उसका शरीर है वैकरिक, उस सर्दी को सहन करते हुए भी, मतलब उसके लिए तो वही पीड़ा है ना जबरदस्त, चल जाता है वहां उनका, वैकरिक शरीर की ये विशेषता है? आयु पूरी किए बिना जीव बाहर नहीं निकलता, चाहे जितनी भी उसको कष्ट मिल जाए तो भी, ऐसी स्थिति, ये इसका उत्तर है, वैकरिक शरीर है वहां पर इसलिए चल रहा है, औदारिक शरीर तो नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए है ना। कई चीजें ऐसी लगती है न्यू जनरेशन को, लगती है कि अरे ये ग्रंथों की बात ऐसी है बेकार, ऐसा नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, समझ में आएगी पूरी बात, एकदम एकदम पूरी समझ में आ जाएगी। आप प्रश्न पूछा करो जी भर के, जैसे आप ऑनलाइन मिलते थे, आप कितना पूछते थे है था मेरे को भी, तो ऐसे आप पूछा कीजिए, समझ में आई बात। चलो अभी कितना समझ में आया, ठीक है आज के लिए इतना पर्याप्त है, चलो आगे की चर्चा बहुत बची है ना, करेंगे ठीक है। ठीक है, जय जिनेंद्र के ज्ञान ते सोहे लो कालो सोमाणी मस्तक नमो तदय देव दो जय।